ओम शांति। वाणी चल रही थी 4 अगस्त 1968। दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी जो बच्चा गंदा बन पड़ा है वो तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे। दुनिया में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता है। इस दादा को भी गुटखा खाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे नाम बदनाम करते हैं तो दादा माना ब्रह्मा को भी गुटखा खाना पड़ता है। समझते हैं ये बच्चा तो नाम बदनाम कर देगा। बाप कहते हैं बच्चे ये बॉक्सिंग है, खबरदार न रहने से माया एकदम ठूंसा मार करके फां कर देगी, कर देगी। माना अभी भला चल रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा, आगे फां कर देगी। फां कर देगी माना ईश्वरीय ज्ञान में से परिवार में से टूट पड़ेंगे। महान बनते बनते मलेच्छ बन जाते हैं। शास्त्रों की भाषा में मलेच्छ किसको कहा जाता है, है? इस्लामियों को कहा गया है मलेच्छ। उनका खान पान रहन सहन सब मलेच्छों जैसा होता है। मलेच्छ बन जाते हैं तो हम मलेच्छ बनाने वाली है मानव मत। मानव मत को कहेंगे भ्रष्टाचारी मत। कौन से आचरण करने वाली, भ्रष्ट आचरण करने वाली मत। इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने लग पड़ते हैं। भ्रष्ट आचरण है वैश्याओं का, लंपटों का, और भ्रष्ट आचरण है व्यभिचारियों का। तो उसको कहेंगे भ्रष्टाचारी मत या मानव मत। ईश्वरीय मत नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हराम जादों की मत। बाप रे, नानक ने भी कहा है ये सब चोर है, समाज की आंखों के सामने चोर है, गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकते हैं, भगवान की आंखों में भी धूल झोंकना चाहते हैं। इसलिए नानक ने कहा है असंख्य चोर हराम खोर। ये बात कोई नानक की सोल ने नहीं कही है, है? किसने कही? नानक की सोल ऊपर से आती है, सतो प्रधान आती है या तमो प्रधान आती है, है? ऊपर से आने वाली हर आत्मा पहले पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है। तो जो सतो प्रधान वाली आत्मा होगी भले सच्चाई भी हो तो भी कोई को गाली नहीं देगी। तो ये हराम खोर शब्द
ऊपर वाली आत्मा ने तो नहीं कहा, फिर किसने कहा? है जिसमें प्रवेश होती है उसने कहा। ये तो जिसने ग्रंथ बनाया है, उन्होंने कहा है। ग्रंथ किसने बनाया? कोई भी शास्त्र कौन बनाते हैं? मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। किस टाइम की? संगम युग की कथा कहानियां अपनी अपने शास्त्रों में जीवन कहानी के रूप में लिख दी है। तो ऊपर से आने वाली सोल नानक, और नानक ने जिसमें प्रवेश किया उसने गाली दे डाली। कहां गाली दी? जब गुरु नानक ने बोला उस समय गाली नहीं दी। कब गाली दी? गुरु नानक ने आकर के डायरेक्ट बोला। धर्म पिताएं तो जो भी आते हैं आकर के डायरेक्ट बोलते हैं। उस समय ग्रंथ बनता है क्या? 100-200 साल के बाद जब उनकी बड़ी तादाद हो जाती है फॉलोअर्स की, तब बैठ शास्त्र बनाते हैं। और वो शास्त्र सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। तो जब ग्रंथ बनाया तो उन्होंने कहा, असंख्य चोर हरामखोर, क्योंकि नानक की तो आत्मा आई और सिख धर्म की स्थापना की। जिस समय वो आत्मा आती है उस समय तो सिख धर्म वाला कोई होता ही नहीं है। तो जब कोई होता ही नहीं है तो किसको कहेंगे असंख्य चोर हरामखोर? क्राइस्ट जब आवेगा क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने, तो उस समय क्रिश्चियंस तो कोई होते ही नहीं है। फिर उस समय बाइबल किस लिए बनावेंगे? तो क्राइस्ट जिस समय आता है उस समय बाइबल बनती है या बाद में बनती है? किस लिए बाइबल बनावेंगे? किसके पढ़ने के लिए बनावेंगे? उस समय तो पढ़ने वाले ढेर के ढेर होते ही नहीं हैं। तो गुरु नानक भी आया, उस समय तो वो धर्म था ही नहीं। तो ग्रंथ किसके लिए बनावेगा? तो कहेंगे उसने तो आकर के धर्म की स्थापना की। फिर जब हुआ सिख धर्म वृद्धि को पाया तब बाद में शास्त्र आदि बनाते हैं। जब वृद्धि को पाता है तो कोई भी चीज सतो प्रधान रहती है या सतो प्रधानता की स्टेज से नीचे उतरती है, नीचे उतर जाती है। बीज भी पहले छोटा झाड़ बनता है, सतो प्रधान होता है। ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है, तमो प्रधान होता जाता है। बच्चा भी पैदा होता है, बच्चे को महात्मा कहा जाता है। क्यों? क्यों महात्मा कहा जाता है? क्योंकि बच्चे में विकार
नहीं होते हैं। ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, समाज के संग के रंग में आता जाता है, क्यों त्यों सात्विक स्टेज से नीचे गिरता जाता है। तो ऐसे ही जब धर्म वृद्धि को पाते हैं, उस समय शास्त्र आदि बनते हैं। पहले थोड़ा ही लिखा है, ये सभी शास्त्र आदि बाद में बनते हैं। जैसे भगवान ने आपका के जब गीता सुनाई, तो उस समय कोई गीता नहीं लिखी जाती है। 2500 वर्ष के बाद गीता लिखी जाती है मनुष्यों के द्वारा। ऐसे ही और धर्म ग्रंथ भी बाद में बनते हैं, जब उन धर्मों में द्वैतवाद शुरू होता है। बाइबल भी बाद में बना है। जो जो धर्म स्थापन करने आते हैं, पहले तो अकेले ही आते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। जब लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं, तब राजाई स्थापन होती है। अभी एक बाप आया तो देखो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। एक बाप आया तो आते ही एक को एडॉप्ट किया। किसको है? एक बाप कौन आया? शिव बाप आया तो किसको एडॉप्ट किया है? प्रजापिता को एडॉप्ट किया। एडॉप्शन तो माता के द्वारा होती है। बिना माता के एडॉप्शन होती है क्या? तो कैसे प्रजापिता को एडॉप्ट किया है? किसमें? ब्रह्म प्रवेश किया। हाँ, साक्षात्कारों को सुनाने के लिए, सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए, भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए माता में प्रवेश किया। इसलिए मुरली में बोला है, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? प्रजापिता को भी पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। और ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। तो पहले एक को एडॉप्ट किया। किसको एडॉप्ट किया है? है? एडॉप्शन माँ के द्वारा होता है, तो आदि ब्रह्मा को कैसे एडॉप्ट किया? जगदम्बा में प्रवेश किया। एडॉप्शन ब्रह्म जगदम्बा का नहीं किया। एडॉप्ट किसको किया? माँ के द्वारा। प्रजापिता पहले ब्राह्मण को एडॉप्ट किया। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र बनता है। तो पहले एक को एडॉप्ट किया, फिर ब्राह्मण पैदा होते रहे। अभी तो होशियार होते होते बाहर निकलते रहते हैं। शुरू में तुम बच्चे इतने ज्ञान में होशियार नहीं थे। क्यों? अरे बेसिक नॉलेज में छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे इतने होशियार होते हैं क्या? इतने होशियार नहीं थे। हाँ, समझते थे कि कुछ ताकत है जो इनमें काम कर रही है, फिर भी गालियां इनको देते थे।
किनको? ये नहीं कहा इसको, गालियां इनको देते थे। इनको माने ब्रह्मा और प्रजापिता दोनों को गालियां देते थे। उदाहरण के लिए क्राइस्ट को फांसी लगाई गई, क्राइस्ट के शरीर पर मार पड़ी, किसके शरीर पर मार पड़ती है? हैं? जिसमें प्रवेश किया उसके शरीर पर मार पड़ी, क्योंकि खुद तो पवित्र आत्मा आती है। जो पवित्र आत्मा होती है वो कोई भी प्रकार की मार खा नहीं सकती। सतो प्रधान आत्मा को कोई भी प्रकार का दुख मिल नहीं सकता। तो जो तमो प्रधान आत्मा होती है उसको ही सब झेलना पड़ता है। तो जो ऊपर से क्राइस्ट की आत्मा आती है उसने थोड़ा ही कुछ किया, जो उसको फांसी की सजा मिले, कीलियों में शरीर गाड़ा जाए, क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा उसने पाप तो कुछ भी नहीं किया। तो कौन करता है पाप? जो शरीरधारी आत्मा होती है, तमो प्रधान आत्मा होती है, वो ही पाप करती है। हाँ, ये कहेंगे कि ऊपर से जो नई नई आत्मा आती है उसको पहले पहले सुख मिलता है, बाद में दुख होता है। जो पवित्र आत्मा है उसको पहले दुख कैसे मिल सकता? तुम बच्चे जानते हो, उनकी आत्मा भी बैगर है। किनकी आत्मा है? क्राइस्ट की आत्मा। ये सब मिसाल जो दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? अरे, क्राइस्ट की राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण से मिलाई जाती है। जो शास्त्रों में कृष्ण गाया हुआ है, गीता का भगवान जिसको बताई दिया है, उस कृष्ण की तरफ इशारा है। संगमयुगी कृष्ण की तरफ इशारा है या सतयुग के कृष्ण की तरफ इशारा है? हैं? संगमयुग के कृष्ण की तरफ इशारा है कि संगमयुग में जो कृष्ण प्रिंस बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होने वाला होता है वो पहले बैगर बनता है। कौन से सन में है? हैं? कौन से सन में बैगर है? जो बाप को आके प्लानिंग बनानी पड़ती है, 5-year plan, झाड़ के वो सीढ़ी के चित्र में जो बैगर पड़ा हुआ है उसके सर के नीचे पुराने चित्र में गीता किताब रखी हुई है और उसमें लिखा है 5-year plan, वो कौन सा 5-year plan है? है? हाँ, 76 के बाद होता है 77 संपूर्णता वर्ष, और संपूर्णता वर्ष से लेकर के 82 तक ये 5-year plan पूरा हो जाता है। वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के तो 5-year plan पूरे ही नहीं होते हैं। बाप तो आकर के एक ही बार प्लानिंग कर देते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं?
कि वो कृष्ण की आत्मा एक ही 5 ईयर प्लान पूरा होते होते फुल बैगर से क्या बन जाती है, हैं? प्रिंस बन जाती है। जैसे प्रिंस होता है, राजकुमार होता है, उसको दर दर भीख मांगनी पड़ती है क्या? नहीं। राजकुमार को भीख मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि प्रिंस बन गया। लेकिन प्रिंस बनने से पहले क्या हालत होती है, हैं? फुल बैगर बनता है। और ये फुल बैगर बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। बाहर की दुनिया के हिसाब से मिसाल दिया क्राइस्ट का। क्राइस्ट की आत्मा इस समय दुनिया में किस रूप में अपना जीवन बिताई रही है? बैगर के रूप में जीवन बिताई रही है। उसका तालमेल मिलाया, क्योंकि राशि मिलती है क्राइस्ट की कृष्ण से, तो कृष्ण वाली आत्मा भी 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण कार्य करते करते, ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। उस धंधे के करने में भले बैगर बनना पड़े, क्योंकि जिस दुनिया में बाप आते हैं उस दुनिया में दुनियावी धंधे तो फलीभूत होते हैं, लेकिन ईश्वरीय धंधा फलीभूत नहीं होता है। तो जो बच्चे अपना तन मन धन धाम सुहद परिवार की बाजी लगा करके उस धंधे में लग जाते हैं जो बाप का धंधा है, तो उन्हें फुल बैगर बनना पड़ता है। ऐसे जो फुल बैगर बनेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे, अर्पण कर देंगे, क्या धन भी अर्पण करें और तन भी क्या करें, तन भी स्वाहा करें, तन की शक्तियां भी स्वाहा कर दे। तन से मजे लेने वाली बात नहीं क्या? अगर तन से ब्राह्मणों की दुनिया में पांडवों ने जैसे किया वैसे ही करें, कौरवों की तरह नहीं क्या? द्रौपदी की बाजी लगाई गई, वो मान मर्तबा सारा हरण कर लिया, पांडवों का लगाया हुआ धन भी यूज कर लिया, अपना अपनी मुट्ठी में रखा, अपने यूज में लगाया और पांडवों का भी ले लिया। ऐसे नहीं, कैसे? अपना सर्वस्व स्वाहा करे और दूसरों का जो दिया हुआ धन है उसे तो लेने की इच्छा बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, इच्छा मात्र में विद्या। तो ऐसे जो फुल बैगर बनते हैं वो फिर माला के 108 दाने बनते हैं और संसार में हर धर्म में सिमरण किए जाते हैं। कोई धर्म ऐसा है जहां माला सिमरण न की जाती हो, माला का सिमरण न होता हो, है कोई धर्म? है? तो ये कोई धर्म है? उनकी कोई धारणा है? है? ये धारणा कहेंगे आप? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, है? उधार लेते रहो, घी पीते रहो, ये धारणा होती है, इसको धर्म कहेंगे आप? इसको धर्म कहते हैं? है?
ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म के नाम पर सीधा 100% अधर्म है। नास्तिक की तो बात ही छोड़ दो, बाकी जो 9 धर्म है, जो भगवान को कोई न कोई रूप में मानते हैं, भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं, भले कोई पहले प्राप्ति करते हैं, कोई लास्ट में प्राप्ति करते हैं, लेकिन प्राप्ति जरूर करते हैं परसेंटेज में। तो ऐसे प्राप्त करने वाले जो भी 108 मण के निकलते हैं, वो पहले फुल बैगर बनते हैं। क्या? तन से भी बैगर है, तन भी कैसा हो जाए, बलकाइयां शरीर हो जाए, क्योंकि मुरलियम बोला शरीर भल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। प्रिंस बनने की बात नहीं है, प्रिंस बनने से पहले की बात है। प्रिंस बनने के बाद मोटा ताजा होगा या काइया होगा? है, मोटा ताजा हो जाएगा। तो फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन जाता है कौन? कृष्ण, क्राइस्ट का यहां मिसाल दिया। क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आती है और जिसमें प्रवेश करती है वो फांसी का दुख भोगता है। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव ऊपर से आता है और प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल शिव को कोई दुख भोगने की बात पैदा नहीं होती है। तो बोला इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है, नंबरवार तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान किसने बनाया? इस समय 5000 वर्ष सृष्टि के पूरे होने को हैं, सृष्टि अपनी चौथी अवस्था का अंत में तामसी हो रही है। उसको तामसी बनाने का श्रेय किसको दिया जाए? है, किसने बनाया तामसी? इसी मुरली में कल की तारीख में बताया कि 3 मत हैं, एक ईश्वरीय मत, एक है दैवीय मत और तीसरी होती है मानव मत। ईश्वरीय मत विश्व की बात सही देती है और जो दैवीय मत है, ब्राह्मणों की दुनिया में देवता कौन है? अरे गुलजार दादी में जो आत्मा प्रवेश करती है उसकी कौन सी मत कहेंगे? दैवीय मत कहेंगे। दैवीय मत से विश्व की बादशाही तो नहीं मिलती है लेकिन स्वर्ग के भरपूर सुख मिलते हैं। भरपूर सुख लेना है या ईश्वरीय मत से विश्व की बादशाही लेना है? जो विश्व की बादशाही लेते हैं वो जन्म जन्मांतर संस्कार पैदा करते हैं अपनी आत्मा में। कौन से? राजाई करने के संस्कार, कोई से प्रभावित होने के संस्कार नहीं धारण करते हैं, उनको कहते हैं सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट औलाद। और दूसरे होते हैं देवताएं, और देवताएं तो दूसरे धर्मों में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। देवताएं भी कन्वर्ट होते हैं
और देवताओं की जो अम्मा कही जाती है ब्रह्मा, वो भी अपने बच्चों से प्रभावित होती रहती है और प्रभावित को प्रजा कहा जाता है। तो भी वो दूसरे नंबर की प्राप्ति कहेंगे, अव्वल नंबर की प्राप्ति नहीं है। और तीसरी है कौन सी मत? मानव मत। वो मानव मत भी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग हो रही है, उसकी रिहर्सल हो रही है। वो मानव मत पर जो चलने वाले हैं उनको कहेंगे आसुरी मत पर चलने वाले। ऐसी आसुरी मत पर चलने वाले सभी रावण संप्रदाय हैं। हाँ, देवताओं की भ्रष्ट मत नहीं होती है। वो मम्मा की वाणी चली हो, मम्मा में तो शिव प्रवेश नहीं करता था, अथवा वो ब्रह्मा की वाणी हो गुल्लार दादी में, उसमें भी शिव तो प्रवेश नहीं करता था, फिर भी वो देवताओं की मत कहेंगे या मानव मत कहेंगे? वो देवताओं की मत है। उस मत पर चलने से भी भ्रष्ट मत नहीं कहेंगे। मनुष्य मत माने भ्रष्ट मत। क्यों? मन से बनता है मानव और मन होता है चंचल, चलाए मन। तो मन मत पर जो धारणाएं सिखाई जाती है मन माने तरीके से, न उनका कोई आगा न कोई पीछा। जैसे मन चलायमान होता है तो मनमाने काम करने लग पड़ते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या रिजल्ट होगा, ये बुद्धि से फैसला नहीं करते हैं। तो ऐसी मनुष्य मत यानी भ्रष्ट मत, उससे पांच विकारों की पैदाइश होती है। मनुष्यों में ही पांच विकार होते हैं, देवताओं में अथवा ईश्वर में पांच विकार नहीं होते हैं। देवताओं में पांच विकार होते ही नहीं, और ये बात बाप ही आकर के समझाते हैं। क्या फॉलो किसको करना है कर्मों में? ब्रह्मा को। अगर ब्रह्मा को फॉलो करने वाली बात बताई है तो ब्रह्मा में क्या पांच विकार थे प्रैक्टिकल जीवन में? नहीं तो फॉलो करने के ही लिए क्यों बताते? मम्मा में पांच विकार थे? नहीं, इसलिए बोला कि देवताओं में पांच विकार नहीं होते हैं, उनकी वाणी में भी पांच विकार नहीं होते हैं। मानव मत में जिनके मन चंचल होते हैं उसकी वाणी में भी पांच विकार होते हैं। जो भी वाचा बोलेंगे, स्वार्थ से भरी पूरी वाचा बोलेंगे, रथ की प्राप्ति के लिए वाचा बोलेंगे, रथ का सुख लेने के लिए वाचा बोलेंगे, भले दूसरे का नुकसान हो जाए, या निस्वार्थ भाषा बोलेंगे, स्वार्थ युक्त भाषा बोलेंगे, लल्लो चप्पो करेंगे और लल्लो चप्पो करके अपना काम बना लेंगे, दूसरे का भले सत्यानाश हो जाए। कभी बुद्धि में ये बात भी नहीं आएगी कि जिनसे हमने सुख लिया है उनका सत्यानाश हो रहा है, बुद्धि में ही नहीं आता। तो ये बातें बाप ही आकर के समझाते हैं कि मानव मत, ईश्वरीय मत और देवताई मत क्या है, और कोई इन बातों को समझाएगा भी नहीं। बड़े आराम से मनुष्यों की मत पर चलते रहते हैं। 2500 वर्ष से क्या हुआ है? क्या हुआ? मनुष्यों की मत पर बड़े आराम से चलते रहे।
कोई ने मनुष्य गुरुओं के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये वाणी चलाते हैं। तो पहले पहले तो इन देवताओं का राज्य था, उन्हों को ये दैवी मत किसने दी? सतयुग त्रेता में जिन देवताओं का राज्य था उनको ये दैवीय मत किसने दी? अरे कोई ने तो दी होगी। देवताओं को दैवी मत किसने दी पूछा? क्योंकि 84 जन्म तो देवताएं ही शुरू करेंगे, जो 83 जन्म लेने वाले हैं उनको देवता नहीं कहेंगे। 83 जन्म या उससे कम जन्म लेने वाले तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं डायरेक्ट सूर्यवंशी नहीं होती है। तो समझा जा सकता है कि दैवी गुणों से फिर आसुरी गुणों वाले बन जाते हैं। कौन है? द्वापर युग शुरू हुआ और इब्राहिम कोई में तो प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो देवता था या नहीं था? है, देवता धर्म का था, फिर क्या हुआ? द्वापर शुरू होते ही होते आसुरी गुणों वाला बन जाता है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे क्या? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, वो तो एवर प्योर है। कहते भी हैं, मैं कब पुजारी नहीं बनता हूं? है, कौन कहते हैं? है, शिव कहते हैं। शिव तो बिंदी को कहा जाता है, है? शिव बाबा कहते हैं। तो जब शिव बाबा का पुजारी नहीं बनता है तो शूटिंग पीरियड में किसी की पूजा करता होगा? है, शूटिंग पीरियड में भी किसी की पूजा नहीं करेगा? कोई को माथा टिकाएगा? माथा टिकाना मना उसकी बात पर के सामने झुक जाना, ऐसे झुकेगा? झुकने के संस्कार उसके अंदर है ही नहीं। द्वापर के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक भी वो आत्मा आसुरी धर्म वालों से टकराती रहती है, कभी भी माथा नहीं झुकाती। वास्तव में मैं एवर पूज्य भी नहीं हूं, ये किसने कहा? वास्तव में मैं एवर पूज्य भी नहीं हूं। मैं माने कौन? है, मैं किसने कहा? शिव बाप ने कहा। और एवर पूजी कौन हुआ? है, शिव बाबा। शिव बाबा और शिव बाप में क्या अंतर है? शिव बाप है सिर्फ बिंदी का नाम और शिव बाबा है साकार और निराकार के मेल का नाम। तो जो शिव बाबा है वो कभी भी पुजारी नहीं बनता। 500 करोड़ मनुष्य मात्र के सामने कभी भी माथा नहीं झुकाता। उसका तो नारा है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
तो जो भी सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनके अंदर ये संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो बोला, वास्तव में मैं तो एवर पूज्य नहीं हूं। ये किसने कहा? शिव ज्योति बिंदु ने कहा, मैं एवर पूज्य नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं एवर पूज्य बनूं तो अंतिम जन्म में लास्ट में जाकर के मुझे एवर प्योर से क्या बनना पड़े, एवर इम्प्योर भी बनना पड़े। तो जो एवर इम्प्योर बनता है वो ही एवर प्योर भी बनता है। तो मैं एवर पूज्य नहीं हूं, क्योंकि सतयुग में तो मुझे कोई पूजते नहीं है। पूजते हैं? बोला, जानते ही नहीं है, इसलिए मैं एवर पूज्य भी नहीं हूं। भी क्यों लगा दिया? मैं एवर पूज्य भी नहीं हूं, भी क्यों लगाया? है माने कोई और बात भी है, एवर पूज्य भी नहीं हूं और एवर इम्प्योर भी नहीं हूं, एवर पुजारी भी नहीं हूं। बोला, मैं एवर पूज्य नहीं हूं, अभी तुम मुझे जानते हो। क्या जानते हो? तुम मुझे जानते हो कि मेरा पार्ट क्या है? क्या जानते हो? अरे, कि न मैं एवर पूज्य हूं न एवर पुजारी हूं, न मैं एवर प्योर हूं और न एवर इम्प्योर हूं। देवताओं से कब पूछा है क्या? जो वह कहे नेति नेति हम नहीं जानते हैं। ऋषियों मुनियों से तुमने कभी पूछा? ऋषि मुनि तो शास्त्रों में कहते रहे, क्या नेति नेति? वो कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गोया नास्तिक ठहरे। नास्तिक किसे कहा जाए? न आस्था, जिनकी कोई के ऊपर आस्था न हो वो हो गए नास्तिक। तो नास्तिकों की किसी के ऊपर आस्था होती है क्या? है अपनी अम्मा के ऊपर आस्था होती है? वहां तो रशिया में नास्तिक धर्म फैला हुआ है। बच्चा पैदा होता है, नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है, मां अपना कारखाने में काम आम करती रहती, उसे पता ही नहीं रे बच्चा कहां का कहां चला गया। बड़ा होता है हॉस्टल में डाल दिया जाता है, तो बच्चों का पता ही नहीं है कि मां मेरी कौन सी है और बाप कौन सा है। और जानवरों को पता होता है? है? जानवरों को भी पता नहीं होता है मेरी मां कौन है और मेरा बाप कौन है। ये बातें क्यों बोल रहे हैं? अरे ये बातें क्यों बोल रहे हैं? किसकी आंखें खोलने के लिए बोल रहे हैं? है? अरे बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि यहां भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं पड़ता। भले स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे देते हैं, तुम हमारी अम्मा हो, तुम हमारे बाप हो, हम आपस में भाई बहन है, भाई भाई है, फिर करते क्या है? क्या करते हैं? है? फिर नास्तिकों की तरह जिंदगी में आचरण करते हैं, जानवरों की तरह आचरण करते हैं या देवता बनने की आचरण करते हैं? क्या आचरण करते हैं? है? नास्तिक है। माला में आने वाले अभी तक बने नहीं है। हाँ, बाप की बच्चों पर उम्मीद होती है। क्या उम्मीद होती है?
कि आज नहीं सुधरे हैं तो कल सुधर जावेंगे। तो नहीं जानते हैं तो गोया नास्तिक ठहरे। तो तुमने देवताओं से थोड़े ही पूछा, न ऋषियों मुनियों से पूछा। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। इन सभी बातों की गहराई को बाप का जो पार्ट है उसके अलावा और कोई सुनाए नहीं सकता, बताए नहीं सकता। ये भी बाप की पहचान है। क्या कितना तीखा तीखा गहरा गहरा ज्ञान बाप के सिवाय और कोई बताए नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय मत में देह अभिमान नहीं होता है और मानव मत में देह अभिमान होता है। चार अगस्त 68 की वाणी का तीसरा पेज। देह अभिमान होता है तो देह अभिमान के कारण पांच विकारों को छोड़ ही नहीं सकते। ये पांच भूत ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं। लड़ाई झगड़े भी ऐसे ऐसे करते हैं। अभी बाप कहते हैं अगर कोई में भूत हो तो उनको देखो भी नहीं। क्रोध के भूत वाले को देखो भी नहीं, आंख से आंख मिली और उसकी आंख की लालामी तुम्हारी आंखों की लालामी से मिलकर के एक हो जाएगी, दोनों में भूत की प्रवेशता हो जाएगी। देखो भी नहीं और कानों से सुनो भी नहीं। हियर नो इविल, या तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तुम क्यों देखते हो? भूत वाले के सामने खड़े रहेंगे तो तुम्हारे में भी भूत की प्रवेशता हो जाएगी, चाहे उसमें काम का भूत हो, चाहे क्रोध का भूत हो, या कोई भी भूत हो। अगर उसके सामने खड़े रहेंगे तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। देखो दुनिया में कितने झगड़े होते रहते हैं। सारी दुनिया में अभी पच्छर माल है, ये दुनिया की पिछाड़ी है, ये पच्छर मालों की दुनिया है। सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि पतित भ्रष्टाचारी है। और तुम तो अमर लोक में जाते हो बिना मरे ही, बिना मरे ही अमर लोक में जाते हो। अरे दुनिया में भी कहते हैं मरे बगैर स्वर्ग मिलता नहीं, तो तुम बिना मरे स्वर्ग में चले जाओगे क्या? है जीते जी देवान से मरना पड़े तब तुम अमर लोकवासी बन जावेंगे। पहले पहले ब्रह्मा का गायन है। ब्रह्मा मृत्यु लोक में मरता है, खलास हो जाता है, तो कहां जाता है? है अमर लोक में जाता है। मृत्यु लोक में ब्रह्मा खलास होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। और तुमको कहां मरना है? है हमको तो यहां मृत्यु लोक में मरना तो है, लेकिन जीते जी मरना है। हम अपना वायुमंडल ही ऐसा बना लेंगे कि वो वायुमंडल हमारी दुनिया बन जाएगी। उस वायुमंडल में हम शरीर छोड़ेंगे तो वो निश्चय बुद्धि का वायुमंडल होगा या अनिश्चय बुद्धि मरंती का वायुमंडल होगा?
निश्चय बुद्धि विजयते का वायुमंडल होगा, तो तुम विजयमाला में आ जावेंगे, तुमको कोई भी डर नहीं है। बाप को याद करते करते ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। लड़ने वाले ऐसे थोड़े ही बनेंगे, जो आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो ऐसे बनेंगे नहीं, वो तो पाई पैसे का पद पाए लेंगे, क्योंकि भूत की प्रवेशता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, इसके लिए कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं, थ्योरी की कथाएं हैं, प्रैक्टिकल बात तुम्हारी है। शास्त्रों में कितनी बातें बैठ बनाई है, एक शास्त्र दूसरे के शास्त्र की बातों को काट देता है। जैसे कोई झूठ बोलता है ना, तो पैंतरे बदल बदल के बोलता है, एक बात अभी बोलेगा दूसरी बात पलट जाएगा। कितनी बातें बनाते हैं, जिसको बाबा धूती कहते हैं। पहला नंबर शास्त्र बनाने वाला नंबर वन धूता हुआ। क्या कौन है? व्यास। वो व्यास कौन है? है? अभी गुरु नानक का मिसाल दिया, असंख्य चोर हराम खोर, ये गुरु नानक की आत्मा ने कहा या जिसमें प्रवेश किया उसने कहा, जब उसने शास्त्र बनाए? किसने कहा? जिसमें प्रवेश किया उसने कहा। ऐसे ही ये जो हिंदू धर्म के देवता धर्म के शास्त्र बने हैं बाद में, उन शास्त्रों को बनाने वाला नंबर वन धूता कौन हुआ? है वे माने विशेष, और आस माने बैठ जाता है। खास किस काम के लिए बैठ जाता है? और कोई धंधा करता है क्या? है करता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है? है अरे शास्त्र लिखता है, शास्त्र ही सुनाता है। तो पहला नंबर शास्त्र बनाने वाला नंबर वन धूता, ऐसी ऐसी कथाएं बनाई हैं, जो कथाएं सुनते सुनते मनुष्य गिरते ही जाते हैं कि उठते जाते हैं, गिरते जाते हैं। ग्लानी की बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। अब ये गीता किसने लिखी? ये गीता भागवत किसने लिखी होगी? अभी तो बोला नहीं, गीता भागवत उसी ने लिखी होगी जिसके लिए मुरली में इशारा दिया, अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ करके शास्त्रों में बनाई है। माना राम कथा रामायण किसने लिखी? है? है? राम वाली आत्मा ने। और कृष्ण की कथा भागवत किसने लिखी? कृष्ण वाली आत्मा ने। नाम दे दिया है व्यास। वास्तव में व्यास की भी गद्दियां चली हैं। एक व्यास हुआ है या अनेक व्यास हुए हैं? जो गद्दी पे बैठा शास्त्र सुनाने के लिए कहेंगे व्यास गद्दी पे बैठा। तो एक की बात नहीं है, अभी उनकी आसुरी मत है।
तो सारी झूठी बातें लिख दी हैं। देखो रावण ने भी कमाल की है, एकदम सबको पत्थर बुद्धि बना दी है। किसके किसके हाथों में शास्त्र दिखाए जाते हैं है? ब्रह्मा के हाथों में भी शास्त्र दिखाए जाते हैं और रावण के हाथों में भी शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो देखो गीता भी झूठी, महाभारत भी झूठा। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? जब दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए सन्नद्ध हों, तो कोई बैठ करके गुस्से में गीता सुनेगा? नहीं। ये भी चरियाई खरियाई है, सारा मदार गीता के ऊपर है। उन्होंने से पूछो ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बेचारे मुझ पढ़ते हैं। बोलो कृष्ण ने मानव मत स्थापन की है या दैवी मत स्थापन की है? कौन सी मत स्थापन की है? अगर कहें दैवी मत स्थापन की है तो देवताएं सतयुग त्रेता में होते हैं या द्वापर कलयुग में होते हैं? कहाँ होते हैं? सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा कहा जाता है, नारायण का राज्य सतयुग में गाया हुआ है। वो नारायण ही कृष्ण से बदल कर क्या नाम पड़ता है? नारायण नाम पड़ता है। बाकी द्वापर में तो कृष्ण आता ही नहीं है। कृष्ण अगर द्वापर के अंत में आवे तो क्या पापी कलियुग की स्थापना करता है? ऐसे को फिर भगवान कौन मानेगा? तो कहेंगे कृष्ण ने मानव मत स्थापन की है। मनुष्यों की बिल्कुल पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं जानते। न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। क्या गालियां देते रहते हैं और गालियां सुनते रहते हैं और खुश होते रहते हैं? शूटिंग कहां होती है? हैं? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है। कहते हैं कि ईश्वर कुत्ते बिल्ले सभी में है, हमारे में भी है और तुम्हारे में भी है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कुछ भी बुद्धि में आता नहीं है। इसको कहा जाता है आसुरी मत। बाबा समझते हैं इनमें क्रोध का भूत है तो ये क्या पद पावेंगे। फिर ख्याल करते हैं कि नई दुनिया में दास दासियां भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो आते हैं श्रेष्ठ मत देने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये भी जानते हो कि बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं और ये दैवी गुण भी ऐसे नहीं कि सतयुग में धारण करने हैं। कहां धारण करने हैं? यहां धारण करने हैं। ये दैवी गुण धारण करने के प्रैक्टिकल जीवन में संस्कार जितने लंबे समय के संगम युग में होंगे उतने ऊंचे देवता बनेंगे। अगर अल्पकाल के संस्कार होंगे तो अल्पकाल के देवता बनेंगे।